मामा ने पूछा, तुझे इतनी मार क्यों पड़ी? भांजा बोला, बारात में गलत बोल गया इसीलिए। मामा, क्या बोला? भांजा, वारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले अंदा तार। भांगड़ा ता सच दे, जब नचे कुड़ी दा यार। मामा बोला, फिर तो मार पड़नी ही थी। भांजा बोला, मुझे तो सिर्फ मार ही पड़ी है, जो बंदा नाचा उसकी तो 4 दिन बाद तेरवी है। मामा भांजे से, बेटा क्या हाल चाल? भांजा बोला, सब कुछ ठीक ही चल रहा है मामा। मामा, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? भांजा, बस मामा, चलते चलते बहुत दूर चली गई मुझसे। पहले कंस मामा, फिर शकुनी मामा, फिर कटप्पा मामा। इन मामाओं के चक्कर में मामाओं पर से विश्वास उठ गया मेरा। आज कितने भी महंगे जूते पहन लो, वैसी फीलिंग नहीं आती जैसे कि बचपन में पुछ पुछ वाली जूते पहनकर आती थी। बचपन में सबसे ज्यादा खुशी जब होती थी, जब कभी कभी आधी छुट्टी में घर वाले लेने आ जाते थे। अन्ना हजारे, सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं। दिग्गी ने भी कर ली। बाबा रामदेव, कर ले यार अन्ना। अन्ना, कुंवारी से कर लूं या फिर विधवा से? बाबा रामदेव, कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। अन्ना, हराम खोर काने। सेठ नौकर से, जरा देखना तो कितना टाइम हो रहा है। नौकर, मुझे टाइम देखना नहीं आता। सेठ, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखकर बताओ कि बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है। चुट पुट, नौकर, दोनों सुइयां घड़ी में हैं। घनघोर बेइज्जती। एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, तो हमारी दुश्मनी कब थी भैया? दोस्तों, आप किस टाइप के चुटकुले सुनना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।